आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के बैठक केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षता में हुई। बैठक में उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे दोनों विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली जी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी जी बाकी सब मौजूद थे। इस बैठक में जो 10 दिन पहले पार्टी ने कैंपेन कमेटी के साथ 20 उपसमितियां बनाई थी, ये सभी उपसमितियों के प्रमुख भी मौजूद थे और पिछले 10 दिन में आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जो प्रबंधन करना चाहिए उसका पूरा जानकारी समिति को सबने दिया। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है और उसके हेतु हमने ये बैठक किया है और इस बैठक में हर समिति का यानी प्रसार प्रसिद्धि से लेकर के रैलियां, संसदीय सम्मेलन, वर्गवार सम्मेलन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी सोशल मीडिया से लेकर सभी विभागों की हमने टारगेट फिक्स की और उसका टाइम फ्रेम फिक्स किया है और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ही मकसद है जो 5 तारीख से शुरू होने वाली है वो संसद सत्र में भी हम कांग्रेस के खिलाफ दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि भारत यूपीए के नेतृत्व में मनमोहन सिंह सोनिया जी के नेतृत्व में गहरा आर्थिक संकट में है, यानी महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर और रुपए का अंतर बढ़ रहा है। ये सारे विषयों को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाने वाले हैं और उसके साथ साथ देश भर में अगस्त 3rd हफ्ते से हम रैलियां और संसदीय सम्मेलन, वर्गवार सम्मेलन, नवमतदाता सम्मेलन, ये सारे कार्यक्रम अभियान जैसे करेंगे और ये सारे अभियानों का एक ही उद्देश्य होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। इस नारा को आगे रखते हुए पूरा देश भर में कैंपेन करने का पूरा डिटेलिंग आज हमने बैठक में की। धन्यवाद जी। नहीं, मैंने कहा ना, अगस्त 15 के बाद हम रैलियों का सिलसिला शुरू करेंगे। अभी अगस्त 11 तारीख हैदराबाद की रैली होगी, बाद में जयपुर का रैली होगी, उसके बाद सितंबर 25 तारीख को भोपाल का रैली होगी। पूरा देश भर में हर संभागीय केंद्र में, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 1-2 लाख लोगों की बड़े बड़े रैलियां हम करेंगे। उसके साथ जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है पार्टी के, एक एक संसदीय क्षेत्र में 1,500 से 2,000 मतदान केंद्र होंगे यानी बूथ्स होंगे, एक एक बूथ से 10-15 कार्यकर्ताओं को जुटा करके 15,000 से 20,000 कार्यकर्ताओं का संसदीय सम्मेलन का सिलसिला भी अगस्त 15 के बारे में बाद में हम शुरू करेंगे। देश भर के सभी संसदीय क्षेत्रों में ये सम्मेलन लगातार हम चलाएंगे, 100 से अधिक रैलियां भी करेंगे। इसके साथ किसानों का, नवमतदाता का, युवकों का, बूंदकरों का, मछुआरों का,
ऐसे वर्गवार सम्मेलन करने का भी भारतीय जनता पार्टी ने रूपरेखा बनाई है। ये सारे विषयों के लिए जो देश भर में जाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक आरोप पत्र और भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में एनडीए के समय जो अचीवमेंट्स किया है उसका एक विकास पत्र और उसके साथ अन्य अन्य प्रदेशों में हमने जो उपलब्धियां किया है उसका एक विकास पत्र, ये सारे साहित्य निर्माण का भी, ऐसे सभी विषयों के बारे में हमने चर्चा की।